नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है SS हटोवर्ल्ड इस यूट्यूब चैनल में। आपके लिए और एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 जो टू स्ट्रोक मोटरसाइकिल है, बाइक है, जो 90s के ज़माने में आती थी, जो आज के डेट में रेयर बन गई है, बहुत कम दिखती है। तो आप जो स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत सारी कंपनी ने 90s के ज़माने में बहुत सारे मोटरसाइकिल टू स्ट्रोक इंजन के साथ लॉन्च किए थे, बट गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के वजह से टू स्ट्रोक इंजन बंद कर दिए हैं। तो आज इस वीडियो में यही जो टॉप फाइव जो बाइक्स है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो है यामा की तरफ से। टू स्ट्रोक इंजन बनाने में जो सबसे ज़्यादा इंडियन मार्केट में यामा ने ही मॉडल्स उतारे हैं। तो सबसे पहले जो मॉडल आता है यामा RX100, जो सबसे आप बोल सकते हैं फेवरेट है यंगस्टर में, और उस समय भी बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो इसका जो डिटेल्स इंजन की बात करते हैं तो 98 cc का, मतलब 100 cc का इंजन आता था और अप्रॉक्सीमेटली 11 bhp की पावर प्रोड्यूस करता था। इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फेमस जो बाइक हुई है वही है यामाहा RX100। तो इसके कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पे आप देख रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने इसी ऊपर एक रेस्टोरेशन का वीडियो भी बनाया था, वो आप यहाँ पे आई बटन से देख सकते हैं या एंड स्क्रीन से देख सकते हैं। इसके बाद जो सेकेंड मॉडल है यामाहा RX100 135, ये जो मॉडल है यामा RX100, इसके बेस के ऊपर ही था, कुछ बहुत ही आइडेंटिकल थे। आप एक्सटीरियर से देखोगे तो कुछ ज़्यादा चेंजेस इस मॉडल में नहीं थे जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें सिर्फ जो इंजन में चेंजेस किए थे, ये जो इंजन आता था 135 cc के साथ आता था और 14 bhp की पावर यहाँ पर प्रोड्यूस करता था। तो वन ऑफ द इस सेगमेंट एक पावरफुल इंजन के साथ ये मॉडल भी आ जाता था। तो इसके बाद जो थर्ड मॉडल है, जो अभी मैंने सेकेंड मॉडल की बात की है, उसी इंजन को इस यामाहा कंपनी ने इस मॉडल के साथ फिट कर दिया था, मतलब वही इंजन बट नए अवतार के साथ यहाँ पे इस व्हीकल को लॉन्च किया था। ये जो मॉडल था बहुत ही डैशिंग आप बोल सकते हैं एक स्पोर्ट्स लुकिंग बाइक थी उस ज़माने की, बट इसकी जो सेल है उस हिसाब से नहीं हुई क्योंकि इसके जो फ्यूल इकोनॉमी है बहुत कम थी। बट आज भी इस मॉडल का जो क्रेज़ है इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इसके बाद जो फोर्थ मॉडल है जो टू स्ट्रोक मॉडल में आता है, अपन यहाँ पे टू स्ट्रोक की बात कर रहे हैं तो सुजुकी कंपनी कैसे पीछे रह सकती थी। उन्होंने TVS के साथ यहाँ पे सुजुकी समुराई की एक मॉडल यहाँ पे लॉन्च की थी इंडिया में, जिसका इंजन डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। 100 cc का इंजन था बट इसकी जो पावर थी बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट थी, 7.8 bhp की पावर प्रोड्यूस करता था और 9.8 nm का टॉर्क जनरेट करता था जो 4 gears के साथ आता था। बट इसका जो एग्जॉस्ट का जो नॉइज़ है, एग्जॉस्ट का साउंड है, बहुत ही अच्छा था। अप्रॉक्सीमेटली बता सकते हैं कि 2012 के आसपास ये मॉडल मेरे पास भी थी, सुजुकी समुराई के बाद सुजुकी ने सुजुकी शागन और सुजुकी शो इस प्रकार के भी मॉडल इंडिया में लॉन्च किए थे। इसके बाद जो फिफ्थ मॉडल है उसकी बात करते हैं तो कावासिकी कंपनी ने कावासिकी बजाज KB 100, ये सारे मॉडल भी इंडिया में लॉन्च किए थे। इसकी जो पावर है बहुत ही अच्छी थी, 10 PS की पावर जनरेट करता था ये इंजन और 10.4 nm का टॉर्क जनरेट करता था। तो बजाज KB 100 ये भी मॉडल इंडिया में बहुत ही अच्छी तरह से बिक्री हुई थी, बट आगे जाके वही टू स्ट्रोक इंजन सारे बंद हो गए क्योंकि गवर्नमेंट ने जो कंबशन होता है टू स्ट्रोक इंजन में वो इनकम्प्लीट होता है, इसके कारण सारे टू स्ट्रोक इंजन इंडिया में प्रोडक्शन बंद कर दिए थे। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो, इसमें अपन ने जो 5 रेयर बाइक थे इसके ऊपर हमने बात की। तो और एक बार देख लेते हैं यामा RX100, यामा RX135, यामा RX-Z, सुजुकी समुराई और KB 100, इस तरह के 5 रेयर टू स्ट्रोक इंजन इंडियन मार्केट में आते थे। तो दोस्तों ये चैनल आप SS ऑटो वर्ल्ड आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching.